चार ऐसे कारोबार जो इस साल आप अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। मैं एक एक करके चारों के बारे में विस्तार से आपको बताना शुरू करता हूं। पहले नंबर पे आता है क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा जिसके अंदर इंग्लिश की प्रचुरता होनी चाहिए। गांव में क्या है, लोग इंग्लिश को छोड़ देते हैं, पहले मार्क्स आना चाहिए। अच्छा, 9वीं 10वीं कर रहे हैं, 11वीं 12वीं कर रहे हैं, पहले अच्छा मार्क्स आना चाहिए, सर्टिफिकेट खूबसूरत दिखनी चाहिए। सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि आज जो कनेक्टिंग लैंग्वेज होके रह गया है इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन आपके गांव में कितने ऐसे संस्था है जो पूरी तरह से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं? मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेमी अर्बन एरिया की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से बात कर रहा हूं आपके गांव की, जहां पर इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। तो आप या तो खुद अगर जानते हैं बोलना सिखाना भी जानते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप हायर कीजिए टीचर्स को, उनको बुलाइए और बोलिए कि हमारे संस्था में रहते हुए हमारे गांव के बच्चों को, चाहे वो पहली क्लास में पढ़ता हो, चौथी क्लास में पढ़ता हो, 8वीं क्लास में पढ़ता हो, जो भी क्लास में पढ़ता हो, उन सबको इंग्लिश बोलना सिखाइए। बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, वो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अगर ये आप अपने गाँव में शुरू करते हैं, आपका ये कोचिंग थरल्ले से चलेगा। और जो फी स्ट्रक्चर भी रखिएगा, काफी नॉमिनल रखिएगा कि छोटी से छोटी सैलरी वाले लोग भी आकर आपके कोचिंग को ज्वाइन कर सके। आपके गांव में और आपके आसपास के 5 गांवों से 100 छात्र आपको मिल सकते हैं, 100। और ये 100 छात्र अगले ही 6 महीना में, क्योंकि ये 6 महीना में फिर बदल जाएगा आपका सेशन, ये 100 छात्रों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। आपको बैच बांटना पड़ जाएगा क्योंकि इंग्लिश की डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बिजनेसों को करते हुए देखा है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन अपने साथ टीचर को रखकर काफी अच्छा कारोबार कर रहे हैं। ये जो कोचिंग का कारोबार है, ये काफी धूम मचा देगा इंग्लिश बोलना आपके गाँव में। दोस्तों दूसरे नंबर पे एक ऐसा कारोबार आता है जिसमें किसी भी क्षेत्र की आधी आबादी आपका ग्राहक होगी, उसमें सारी महिलाएं, जो लड़कियां बड़ी होती जा रही हैं, वो सारी लड़कियां, ये सब आपकी ग्राहक होंगी। अब आपको करना क्या है, तो एक किसी भी चीज के ऊपर, ई रिक्शा हो गया या फिर टेम्पू हो गया, एक रनिंग कॉस्मेटिक शॉप आपको खोलना है, उसके अंदर तमाम चीजें होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्या होगा इसमें, आप क्या कीजिए, हर वक्त अनाउंस करवाते रहिए। मतलब इमेजिन कीजिए दिमाग के अंदर कि एक ई रिक्शा है, उसको हमने क्या किया, हार्डवेयर की दुकान पे जाके उसको कुछ ऐसा डिजाइन करा दिया कि वो एक दुकान का रूप ले चुकी है। अब दुकान भी किस तरह की, उसके चारों तरफ से सामान लटके हुए हैं, प्लास्टिक का रैपिंग कर दीजिए। देखिए ये ई रिक्शा का एक वॉल है, समझिएगा, इस पे आपने क्या किया, कान में का या फिर जो भी बिंदी है या जो कुछ भी आप टांग सकते हैं वो टांग दिए, और ऐसा चारों कोन पे वॉल के कांटी लगवा दिए, और उस पे प्लास्टिक को ऐसा रैप कर दिए अच्छे से, ताकि वो दिखाई दे रहा है लोगों को बाहर से, लेकिन कोई ले नहीं सकता है उसको, मतलब विजिबल हो। आप शीशा का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि वो दिखता रहे लेकिन वो क्या हो, कोई छू ना पाए, कोई ले ना पाए उसको। जब तक आप खोल के उसको लोगों को नहीं देंगे, तब तक लोग उसको नहीं ले पाएंगे, मतलब चोरी होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन एग्जीबिशन अच्छा होगा, प्रदर्शन अच्छा होगा, लोग उस चलती हुई दुकान को देखेंगे तो एक तो उसके डिजाइन को देखकर खुश हो जाएंगे, और दूसरा आप एक ही जगह पे बार बार जाने की कोशिश करिएगा। मतलब 2 दिन पे सेम जगह पे जाने का रेपुटेशन होना ही चाहिए। जैसे अगर किसी दरवाजे पर जा रहे हो, अनाउंस हो रहा है, बिंदी लीजिए, सिंदूर लीजिए, कॉस्मेटिक आइटम्स लीजिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लीजिए, सब कुछ आप अनाउंस कराते रहिए, लोग जो हैं महिलाएं वो आपकी दुकान का, उनके दरवाजे पर आने का इंतजार करेंगी। उनको मालूम होगा कि आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में इधर से गुजरते हैं आवाज लगाते हुए। और फिर आप सोचिए तो सही, एक चीज की कीमत क्या होती है, अगर कान में का आर्टिफिशियल अगर आप सेल कर रहे हैं तो 30 रुपए 40 रुपए से लेते हुए, ये मैं रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, होलसेलर आपको 1-2 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रिटेल करते हैं 30 से लेकर 150, 200, 300 रुपए तक इसकी कीमत जाती है, सेल कर सकते हैं। और आज 200-300 रुपए एक घर से किसी अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया या फिर मेकअप के आइटम के पीछे खर्च करना बहुत मामूली बात है, यानी कि आपकी ग्राहकी रोज दिन धूम मचाने के लिए तैयार होगी। बस अपने दुकान को आकर्षक बनाइए। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी शोरूम के अंदर जाते हैं तो कितना मन खुश हो जाता है उसके डिजाइन को देखकर। जैसे रॉयल एनफील्ड के जब आप शोरूम में जाएंगे, वहां पर काउच लगा हुआ है, काफी खूबसूरत उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है, आप जाते हैं पानी मिल जाता है, चाय कॉफी मिल जाता है, या फिर आप कार के शोरूम में जाते हैं वहां देखते हैं। कहने का मतलब है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और अंदर का जो माहौल, जो सर्विस होता है, पहले तो वही देखकर मन खुश हो जाता है, उसके बाद सामान लेना नहीं लेना तो वो बाद की बात हो जाती है। तो पहले दुकान को ऐसा बनाइए कि वो इतनी खूबसूरत लगे कि जहां से गुजरे एक बार लोग उसको देखें कि अरे ये क्या जा रहा है। तो ई रिक्शा को कितना खूबसूरत आप करा सकते हैं, आप विचार कीजिए। दूसरा कारोबार यही है, और सबसे बड़ी बात, आपको आनंद आएगा, मजा आएगा इसको करते हुए। तीसरा कारोबार मैं प्रैक्टिकली देख कर आया हूं, महसूस किया है मैंने, तब जाकर आज मैं इस वीडियो के अंदर उसको शामिल कर रहा हूं। मैं अपने ही गांव की बात बता रहा हूं, मैं छुट्टियों में अपने घर गया था, वहां मैंने देखा कि एक लड़का है, वो क्या किया है कि 4 पहिए वाला जो ठेला होता है उसको वो ठेल करके ले जाता है, वो है
जिस गांव में मैं रहता हूँ उसके दो गांव अलग वो रहता है, और वहां से वो ठेला को लेकर रोज शाम को चला गया। एक नियत टाइम है उसका, 2 बजे 3 बजे से वो अपने घर से चलता है, रात के 9 10 11 बजे तक वो गांव में, बस 1 2 3 गांव में ही वो रहेगा, आखिरी मेरे गांव तक आएगा और वापस लौट जाएगा अपने गांव की तरफ। लेकिन इस बीच में 3 4 हजार रुपया बना लेता है वो। करता क्या है कि एक वो जो ठेला रखा है उसके अलग अलग पार्ट्स को कुछ ऐसे सजाया है कि उसके ऊपर कहीं वो पाव रोटी वाला जो बन होता है वो टांग दिया है पूरा प्लास्टिक में, कहीं गोलगप्पा जो रेडीमेड या आप घर से बनाते हैं वो आता है उसको प्लास्टिक में रैप किया हुआ है और उसको ऐसा टांग दिया हुआ है, एग्जीबिशन लगा दिया, डिस्प्ले में वहां लगा हुआ है। और बैनर तो अपने ठेला के चारों तरफ कम से कम 3 फीट का वो लगाया होगा, जो चौड़ा है 3 फीट और लंबाई तो पूरे ठेला के हिसाब से वो लगाया हुआ है, उसमें वो अच्छे से प्रिंट करवाया हुआ है। और अब वो अपने ठेला पे क्या क्या करता है, नॉनवेज आइटम्स भी कुछ बेचता है। मैं नॉनवेज की चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ, खाता नहीं हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कोई और खाए, तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। चौमिन वो रखता है उसके अंदर, वेज रोल्स वगैरह बनाता है, गोलगप्पे भी रखता है, मोमो भी रखता है, और मंचूरियन से लेकर के तमाम चीजें वहां सेल करता है वो। पनीर चिल्ली हो गया, मंचूरियन हो गया, सारी चीजों का वो सेल लगाता है। लड़का अकेला है और एक गाना के लिए स्पीकर रखा हुआ है, हर वक्त बजता रहता है, और जैसे ही उसमें मतलब वो किसी भी दरवाजे से होकर गुजरता है लोगों को मालूम पड़ जाता है कि उसका नाम क्या था, याद नहीं आ रहा है, वो आ चुका है। अब लोग क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, और अगर 200 रुपए का भी आइटम ले रहे हैं तो अगर उनके पास 100 रुपए ही है तो वो 100 रुपए उसको पकड़ा देते हैं, मैंने आंखों से देखा हुआ है। और अगर 100 रुपए उनके पास नहीं तो बोलेंगे कल आओगे ही, कल ले लेना। तो इस तरह से उसका खाता बही भी गांव के अंदर चलता है। तो ये जो रनिंग फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट है गाँव में क्यों चल रहा है, वहां के लोगों को, और खास करके मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, वो रेगुलरली हर शाम को 4 बजे या 5 बजे मार्केट तो नहीं जा सकती है, 3 किलोमीटर दूर है मार्केट, 9 किलोमीटर, प्रैक्टिकली सोच के देखिए वो नहीं जा सकती, तो क्या हो कि मार्केट उन तक आ जाए। और आज तो हमारा जबान ऐसा हो गया कि चटपटा चीज जब तक ना मिले जबान को तब तक मतलब वो शाम नहीं गुजरती है, तो लोगों को खाना ही रहता है कुछ ना कुछ फास्ट आइटम फास्ट फूड। तो ये कॉन्सेप्ट गांव में इसलिए भी तेज होगा क्योंकि वहां की महिलाएं मतलब खाने की शौकीन होती हैं, आप उधर से गुजरेंगे वो लोग जरूर खाएंगी। और एक चीज याद रखिएगा, जिस कारोबार में हमारी देवियों का हाथ लग जाए, महिलाओं का हाथ लग जाए, वो कारोबार काफी ग्रो करता है, चाहे वो कपड़े लत्ते हो या फिर खाने का आइटम हो, ज्वेलरी शॉप हो, मेकअप की दुकान हो, कुछ भी हो, महिलाएं अगर आपकी परमानेंट ग्राहक हो गई हैं फिर आपका बिजनेस कब जो है धरातल से आकाश में पहुंच जाएगा कोई नहीं जानता है। और जो चौथा कारोबार है, अपने नहीं बल्कि 10 गांवों को टारगेट कर सकते हैं, ये कारोबार काफी बेहतरीन है। आपको क्या करना होगा, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के एक मशीन लेनी पड़ेगी, पैकिंग मशीन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपके कारोबार को व्यावसायिक जिंदगी को शुरू करने के लिए इस मशीन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और फिर कुछ आर पार दिखने वाली प्लास्टिक्स जैसे कि ये साइज की छोटी 1 2 रुपए की जो शशे आती है उस साइज की, और फिर 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 1/2 किलो 1 किलो, इन सारे साइजेस के प्लास्टिक्स आपको मिल जाएंगे बहुत सस्ती कीमत में मिल जाएगा आपको। आप जाके अमेजोन से ही मंगा सकते हैं या फिर अगर आपके लोकल में रिटेल में अगर होलसेल में कोई अगर अच्छा बेच रहा हो तो वहां से मंगा सकते हैं। और फिर प्रिंटिंग प्रेस में आपको जाना बिल्कुल नहीं भूलना है, वहां जाकर जो जो साइजेस के प्लास्टिक्स आपने रखे हैं उसी साइज का एकदम लो क्वालिटी के पेपर के ऊपर, लो से भी लो क्वालिटी के पेपर के ऊपर अपना एक ब्रांड नेम बना लीजिए। जैसे मेरा नाम नवनीत है, अगर मैं करता हूँ तो नवनीत इंटरप्राइजेस, आप ये सब करके अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं और भी चीजों को वहां मेंशन कर दीजिए, कुछ कुछ ऐसा प्रचार के सामग्री। अगर पैकेट के अंदर जो चीज रखी हुई है उसके अलावा आपके पास 10 और प्रोडक्ट हैं तो जो ब्रांड नेम आप लिखवाई स्टिकर के ऊपर, उस ब्रांड नेम के नीचे एक नंबर हमारे अन्य प्रोडक्ट, तो एक नंबर पे ये भी मैं बेचता हूँ, 2 नंबर ये भी बेचता हूँ, ये भी बेचता हूँ, ये भी बेचता हूँ करके आप अपने सारे प्रोडक्ट्स का वहां पर मेंशन कर दीजिए नाम। अब प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट है दोस्तों मसाला। मसाले के बिना किचन नहीं होगा और किचन के बिना जिंदगी नहीं होगी, तो आराम से इस कारोबार को कर सकते हैं। मसाले में क्या क्या, हल्दी 2 तरह की, खड़ी हल्दी पाउडर वाली हल्दी, मिर्ची 2 तरह की, मिर्ची खड़ी मिर्ची और फिर पाउडर मिर्ची, धनिया, हर मसाले आपको खड़े और पाउडर ले लेने हैं जो हो सकते हैं। जैसे कि गोल मरीच है तो गोल मरीच भी खड़ा होता है और उसको पाउडर भी लोग कराते हैं, जीरा पाउडर खड़ा, तो ये सब आप कुल मिला के 20-25 मसालों को आप एक साथ ले सकते हैं। अब आपको होलसेल मार्केट पता करना है दोस्तों, अगर आपको इसके लिए गुजरात जाना पड़ेगा तो आप गुजरात जाएंगे, इसके लिए दिल्ली जाना होगा दिल्ली जाएंगे, पूरे भारत में मसालों की जहां सबसे बड़ी मंडी होगी वहां आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अनुभव लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 15-20 हजार की मार्केटिंग आप अपने ही क्षेत्र से मसालों का उठाव करके कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपके एरिया में होलसेल पे नहीं बिक रहा होगा, बिक रहा होगा, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और सबको घर पे लाना है और बस वो जो पैकिंग मशीन मैंने बताया था, पैक करते जाइए, चम्मच से उस प्लास्टिक में डाले, उसको रखे, देख लिए कि इसका वजन 100 ग्राम हो गया, उसको उतारे और पैकिंग मशीन के मुंह पे उसको रखना और ऐसे करके दाब देना है, हो गया, चिपक गया, वो रेडी है। हाँ, उसके अंदर स्टिकर अपना डाल दीजिएगा जो आप स्टिकर रखे हैं, तो ये कारोबार भी काफी धूम मचा देगा। महान धीरू भाई अंबानी साहब क्या करते थे कि अपने कपड़े का सैंपल लेके जाते थे ग्राहकों तक अपने से, अपने गाड़ी में लोड करके,
और ये जो मैं बोल रहा हूं इस किताब के आधार पे बोल रहा हूं, इस किताब के अंदर मैंने ऐसा पढ़ा था। तो अपने कारोबार को करने में कोई शर्म नहीं है और मेहनत को करने में कोई भी थकान नहीं है। आप मेहनत करिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये चार कारोबार है जो आप अपने गांव में काफी खूबसूरती से कर सकते हैं और खूबसूरत पैसा बना सकते हैं। विचार कीजिए, मिलता हूं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।